चलिए बात सत्ता की करते हैं। अमरपाल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। दरअसल राज्य सरकार की पहल से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत ये आयोजन हुआ। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए ये मेले विकासखंड स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल के साथ ही सतना सांसद गणेश सिंह भी मेले में मौजूद थे। प्रदेश भर से 11 कंपनियों ने इसमें भाग लिया। इसमें LIC और SBI जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। शनिवार को हुए इस रोजगार मेले में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। कुछ युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर जॉब भी ऑफर हुई। हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री जी लोगों को रोजगार देने के क्षेत्र में, आर्थिक कल्याण के क्षेत्र में सतत काम कर रही है। उसी दिशा में आज अमरपाटन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। कल रामनगर में रोजगार मेले का आयोजन है। इसके पहले भी 28-29 नवंबर को अमरपाटन और रामनगर में रोजगार मेले हुए हैं और अभी जैसा सांसद जी कह रहे थे लगभग 40 रोजगार मेलों का यहाँ आयोजन हुआ है। लगभग 19,000 लोग हिस्सा लिए और लगभग 7,500 लोगों का प्लेसमेंट हुआ, इन्हें काम भी शुरू किया है। 40 से अधिक रोजगार मेले आयोजित हो चुके हैं। आज अमरपाटन में पुनः आयोजित किया गया, कल रामनगर में है। इसी तरह से जिले के अन्य विकास खंडों में भी रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। विभिन्न कंपनियों को बुला करके उनकी आवश्यकता अनुसार जो योग्य उम्मीदवार हैं यहाँ के, जिनका पंजीयन हुआ है, उनका इंटरव्यू के साथ साथ उनको प्लेसमेंट दिया जा रहा है।